वेलकम फ्रेंड्स टू मूवी लिस्टर, व्हाट्स गोइंग ऑन। सो गाइस, नो वे होम के रिलीज होने से पहले हर दिन न्यू रूमर्स और कास्ट की वजह से नो वे होम की हाइप क्रिएट हुई थी और एमसीयू अपनी स्ट्रेटजी को फिर से रिपीट कर रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के लिए। तो दोस्तों, कुछ दिन से ये रूमर्स आ रहे हैं कि टॉम क्रूज एज ए आयरन मैन हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखने वाले हैं और टॉम क्रूज के मूवी के सेट से कुछ इमेजेस लीक होने की वजह से ये कन्फर्म हो जाता है कि टॉम क्रूज एज ए आयरन मैन हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में देखने को मिलेंगे। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं लीक्ड इमेजेस, न्यू आर्मर और टॉम क्रूज के एमसीयू में फ्यूचर के बारे में बात करेंगे और इस बारे में भी कि आरडीजी हमें इस मूवी में देखने को मिलेंगे या नहीं। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जतिन, आप देख रहे हैं मूवी लिस्टर। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो टॉम क्रूज एमसीयू में आयरन मैन को काफी टाइम से प्ले करना चाहते थे, तब से जब 2008 में फर्स्ट आयरन मैन मूवी के लिए कास्टिंग चल रही थी। पर ये रोल हम सभी के फेवरेट रॉबर्ट डाउनी जूनियर को मिल गया, जिन्होंने इस रोल को बखूबी निभाया और हम आज भी उन्हें काफी मिस करते हैं। पर दोस्तों, आरडीजे ना सही पर टॉम क्रूज एज ए आयरन मैन हमें जल्द ही एमसीयू में देखने को मिलने वाले हैं और ये न्यूज काफी टाइम से हाइप में चल रही थी। और कुछ टाइम पहले ट्विटर पर उनकी लीक्ड फुटेजेस ने इस बात को कंफर्म कर दिया है और इस न्यूज को हिंदुस्तान टाइम्स जैसी बड़ी वेबसाइट्स ने भी कंफर्म किया है। तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह एमसीयू के कैरेक्टर से काफी वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। टॉम क्रूज आयरन मैन के एक वेरिएंट का रोल प्ले करेंगे, जिसे एक्सपीरियंस करना फैंस के लिए बिल्कुल न्यू होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं लीक्ड इमेजेस की। सबसे पहले हमें इस इमेज में टोनी स्टार्क का बियर्ड स्टाइल देखने को मिलता है और सेकंड इमेज में ये बात और भी कंफर्म हो जाती है, जिसमें कि टॉम क्रूज ने मोशन कैप्चर सूट को पहन रखा है जो कि आयरन मैन के सूट के मोशन कैप्चर करता है। न्यूज के अकॉर्डिंग हमें मूवी में आयरन मैन का ये वेरिएंट बिल्कुल ही न्यू लुक में देखने को मिलेगा, जो कि आरडीजे के आयरन मैन से बिल्कुल डिफरेंट होगा। टॉम क्रूज ऐसे सुपीरियर आयरन मैन अपीयर होंगे, जो कि कॉमिक्स में आयरन मैन का काफी डेंजरस वर्जन है। मतलब कि ये कोई विलन नहीं होता, पर हम इसे एक एंटी हीरो कह सकते हैं, लाइक डेडपूल, जो सिर्फ अपने मतलब के लिए ही काम करता है। और ये आयरन मैन इतना डिफरेंट किस वजह से बना, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं। देखा जाए तो 2012 से पहले आरडीजे के टोनी स्टार्क में बहुत एटीट्यूड और पैसे का घमंड था। उनके पास्ट की काफी गलतियों की वजह से हमें एमसीयू में बहुत से विलन देखने को मिले। पर जब 2015 में टोनी का अल्ट्रॉन प्रोजेक्ट फेल होता है, जिसकी वजह से सिविल वॉर होती है, और इन्हीं फेलियर्स की वजह से आयरन मैन में एमसीयू में काफी चेंजेस आते हैं और वो एंड गेम में स्नैप करके खुद को सैक्रिफाइस करता है। पर सुपीरियर आयरन मैन के इस यूनिवर्स में अल्ट्रॉन प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है, जो कि टोनी का ड्रीम होता है, और अर्थ पूरी तरह से सेफ हो जाती है। टोनी थैनोस को भी अर्थ पर आने से रोक देता है। सुपीरियर आयरन मैन ने अर्थ 616 की जर्नी को एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, इसकी वजह से टॉम क्रूज का ये आयरन मैन हमें आरडीजे के आयरन मैन से काफी डिफरेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि इस आयरन मैन ने ये फेलियर्स कभी देखे ही नहीं होंगे। और इसी वजह से यही सबसे बड़ा रीजन है कि आरडीजे के अलावा कोई और आयरन मैन के कैरेक्टर को प्ले कर रहा है और फैंस के मन में भी आयरन मैन की एक अलग इमेज बनी हुई है। और आरडीजे के अकॉर्डिंग भी उनकी एमसीयू में परफेक्ट एंडिंग थी और वो दोबारा एज ए आयरन मैन रिटर्न नहीं करना चाहेंगे। पर दोस्तों, मार्वल को हमेशा ही फैंस के साथ माइंड गेम्स खेलने की आदत है और मार्वल कुछ भी कर सकता है। जैसे कि अभी तक की न्यूज के अकॉर्डिंग हमें मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज के 4 से ज्यादा वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे और स्ट्रेंज की लाइफ में आयरन मैन ने काफी मेन रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से शायद हमें मूवी में आयरन मैन के भी मल्टीपल वेरिएंट्स देखने को मिल सकते हैं, जिनमें से आरडीजे भी किसी आयरन मैन के लिए रिटर्न कर सकते हैं। और दोस्तों, सुपीरियर आयरन मैन की जो सबसे एक अलग चीज है वो है उसका आर्मर, जिसे कि एंडोसिम आर्मर के नाम से जानते हैं। और ये आर्मर काफी ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि ये आर्मर टोनी की किसी नैनोटेक से ना बना होकर बल्कि एक लिक्विड मेटल से बना, जिसमें कि एक ग्लास का हेलमेट होता है, जिसके कि आर पार देखा जा सकता है। और दोस्तों, इस आर्मर का सबसे यूनिक पॉइंट ये है कि इसे बनाने में सिम्बियोट का यूज हुआ है, जिस वजह से ये आर्मर हमेशा आयरन मैन के माइंड से कनेक्ट रहता है और जरूरत पड़ने पर ये सिम्बियोट की तरह ही टोनी की बॉडी से बाहर आकर उसे कवर कर लेता है। वैसे तो ये आर्मर हमेशा ब्लू रहता है, पर फाइट के टाइम इसके कुछ पार्ट चेंज होकर रेड हो जाते हैं। एंडोसिम आर्मर आयरन मैन के आर्मर और सिम्बियोट दोनों की ही पूरी फील देता है। और गाइस, सच में इस आयरन मैन को एमसीयू में देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और शायद एमसीयू इस आयरन मैन को मार्वल के कुछ और मल्टीवर्सल प्रोजेक्ट के लिए भी सेट कर सकता है, जैसे कि एवेंजर्स 5, जो कि बेस्ड होगी सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन पर, जिसमें कि सभी यूनिवर्स के सुपरहीरो के बीच बियॉन्डर फाइट कराता है। सीक्रेट वॉर्स के लिए मल्टीवर्स की मूवी जैसे कि नो वे होम और अपकमिंग मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जैसी मूवीज के सभी वेरिएंट्स को सेट किया जाएगा, जैसे कि लोकी सीरीज के सभी वेरिएंट्स। और चांसेस है कि तोबे और एंड्रयू भी इस मूवी में अपीयर हो सकते हैं। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में फैंटास्टिक फोर के रेड रिचर्ड्स और प्रोफेसर एक्स भी अपीयर होंगे, जो कि इल्यूमिनाटी के मेंबर होंगे, और इल्यूमिनाटी के मेंबर्स एमसीयू में एक्समैन और फैंटास्टिक फोर की स्टोरी लाइन को बिल्डअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आइडिया लग गया होगा कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एमसीयू के लिए कितने बड़े लेवल की मूवी होने वाली है और ये एमसीयू के फ्यूचर के लिए बहुत कुछ बदल देगी। तो दोस्तों, जो मैंने आपको ये थ्योरीज बताई है और टॉम क्रूज के आयरन मैन के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल मूवी लिस्टर को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।